हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीए स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो बीएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इग्नू के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ सब्जेक्ट कोड की तो BES 126, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। और बाकी सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सभी में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होता है नॉलेज एंड करिकुलम। चाहे आप MDU से कर रहे हो, चाहे आप CRSU से कर रहे हो, चाहे आप जामिया से कर रहे हो, तो नॉलेज एंड करिकुलम हम लोग कर रहे थे। Unit 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, अगर अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और साथ ही बताना चाहूंगी कि हम अभी कर रहे हैं Unit 2, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ नोइंग। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेस वही है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हुई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर चैनल के साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर ज़रूर करना, आई विल बी थैंकफुल टू यू। कोई फीस चार्ज नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पर्पस जो है ना वो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना है, तो ये पर्पस जरूर मेरा सिद्ध करा देना, आई विल बी थैंकफुल टू यू। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूँ प्रीवियस वीडियो की, जो कि यूनिट 2 का पार्ट 2 है ना, उसमें मैंने आप लोगों को रोल ऑफ टीचर्स एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया है। और ये वाला जो डिस्कस किया है ना बेटा, ये कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि ये थोड़ा सा ना लंबा टॉपिक है। इस वजह से मैंने सेकेंड पार्ट, मतलब अब ये वीडियो जो होगी वो थर्ड पार्ट होगी इस यूनिट की एक्चुअली, लेकिन इसमें रोल ऑफ टीचर्स एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू किया जा रहा है और उसके बाद जो आपका एक टॉपिक रहता है वो पढ़ाया जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक प्रीवियस वीडियो में, अगर देखा होगा। अभी हम जो देखेंगे बेटा ये वाला, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, कहा गया है कि एज टीचर्स we must encourage learners to constantly assess how the activity is helping them to gain understanding. Teachers होने के नाते एक टीचर को क्या करना चाहिए, अपने learners को, मतलब कि students को encourage करना चाहिए कि जितनी भी activity कराई जा रही है वो किस तरीके से उनको help कर रही है better understanding में, समझने में चीज़ों को किस तरीके से वो मदद कर रही है। जब बच्चे खुद इससे question करेंगे, अपनी जो स्ट्रेटजीज़ है, जो भी उनके सामने स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, उनको जब बच्चे परखेंगे, उनको क्वेश्चनिंग करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, लर्नर्स इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आइडियली बिकम एक्सपर्ट लर्नर्स। तो बच्चे क्या बनेंगे, एक्सपर्ट लर्नर्स बनेंगे। दिस गिव्स देम एवर ब्रॉडनिंग टूल्स टू कीप लर्निंग। अब बात आ जाती है कि अगर एक वेल प्लान्ड क्लासरूम है, अगर एक वेल प्लान्ड क्लासरूम है जिसमें बच्चे जाने, द लर्नर्स लर्न हाउ टू लर्न, जब जिसमें सीखे कि किस तरीके से, कैसे सीखा जाता है, कैसे सीखा जा रहा है, ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि कैसे सीखे, क्या सीखे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे सीखे इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन से वाला जो सब्जेक्ट मेथड है, सब्जेक्ट मटेरियल है आपका, या कौन सा टॉपिक है वो किस तरीके से हमें समझना चाहिए। अब मैं कहूँ बात मैथ्स की और मैं करूँ बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप लोग क्या करते हो, एक अलग प्रोसेस दोनों में फॉलो होता है। मैथ्स में आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ करना पड़ता है। इंग्लिश में क्या होता है, आपको जो नरेशन है या डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है कि कैसे सीखे। तो यही बात कही गई है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लर्नर्स सीखते हैं कि कैसे सीखना है, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। अब यहां पर आप लोग इस स्पाइरल को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जब बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे, उनके बारे में बार बार विचार करेंगे कि हम कैसे सीख रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रेटेजी है या ये वाला जो मेथड है ये हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग गेन करने में हेल्पफुल है या नहीं, कितना हेल्पफुल है, इस तरीके की जब बात करेंगे ना बच्चे, तो उसमें क्या होगा कि बच्चों को जितने भी वे समझ पाएंगे कि उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जटिलता और शक्ति, उनके बारे में कॉम्प्लेक्सिटी एंड पावर के बारे में समझेंगे, और साथ में क्या डेवलप होगा, ये हेल्प करेगा कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी डेवलप होगी जिसके ज़रिए वो न्यू इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर पाएंगे, जो उनकी नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें नई इन्फॉर्मेशन को, नई जानकारी को जोड़ पाएंगे,
तो ये चीज़ हो जाती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द टीचर्स मेन रोल। अब यहाँ पर एक टीचर का मेन रोल एक और बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है ध्यान से देखिए, कि टू एनकरेज दिस लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन प्रोसेस, इस तरीके की लर्निंग को एनकरेज किया जाए। और ये जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस की बात हुई है कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को क्वेश्चन करे या स्ट्रेटजीज़ के बारे में सोचे, ताकि बच्चे जो है एक एक्सपर्ट लर्नर्स बन सके, तो इस चीज़ को जो है एनकरेज किया जाए। और साथ में जो ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस है जिसके बारे में सोचना है उसको एनकरेज किया जाए। तो ये हो जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में एक टीचर का मेन रोल। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जांपल, एग्जांपल में देख सकते हो कहा है कि ग्रुप ऑफ लर्नर्स इन साइंस क्लास आर डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम इन फिजिक्स। फिजिक्स में बच्चे कुछ डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, टीचर को आंसर पता है, लेकिन टीचर क्या कर रही है, टीचर चाहती है कि बच्चे जो है शी फोकसेस ऑन हेल्पिंग लर्नर्स रीस्टेट देयर क्वेश्चंस इन यूजफुल वेज, कि बच्चे जो है वो लर्नर्स को हेल्प करे कि वो जो क्वेश्चन है उसको यूजफुल वे में बच्चे समझ पाए, रीस्टेट कर पाए, दोबारा से बता पाए। और वो जब बच्चों को प्रॉम्प्ट करती है, जब बच्चों को एनकरेज करती है, जब उसको लगता है कि व्हेन लर्नर इज़ टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड एग्जामिन हिज और हर करंट नॉलेज, ईच लर्नर टू रिफ्लेक्ट, और बच्चों को एनकरेज करती है कि बच्चे जो है जो उनके पास करंट नॉलेज है, जो उनके पास नॉलेज है उसके बारे में रिफ्लेक्ट करे, उसके बारे में सोचे और उसको एग्जामिन करे। When one of the learners come up with the relevant concept, जब कोई भी लर्नर relevant concept को छूता है या बात करता है उसके बारे में कि टीचर आप ये पूछना चाहते हो क्या, suppose टीचर ने एक question पूछा और बच्चों के ऊपर टीचर ने छोड़ दिया कि आप इस बारे में हम मुझे बताओ, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे guess कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो उनकी नॉलेज है ना उसी में से कि ये है या ये है। और जब वो टीचर को लगता है कि वो एक रिलेवेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही है, जो मैंने पूछा है उसके आसपास बिल्कुल पहुंच गए हैं, तो टीचर क्या कर रही है, टीचर बच्चों को इंडिकेट करे कि हाँ ये वाला अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपके लिए फ्रूटफुल एवेन्यू होगा, इसको एक्सप्लोर करो ताकि आप आंसर तक पहुंच सको। मतलब शुरू से ही हमें क्या बताया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि टीचर को ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पर, या टीचर को क्या करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके ज़रिए बच्चे आंसर्स तक पहुँचे, जिसके ज़रिए बच्चे आंसर्स तक पहुँचे, ना कि एक रेडीमेड आंसर बच्चों को दे देना है। बच्चे खुद एक्सप्लोर करेंगे, बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को खुद रिफ्लेक्ट करेंगे, और टीचर का काम क्या होगा, टीचर का काम क्या होगा, फैसिलिटेट करने का, उनको गाइड करने का, उनको हेल्प करने का जगह जगह पर। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा रिलीवेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेगा तो टीचर उनको बताएगी कि अगर आप इस वाले चीज़ को अगर ध्यान दोगे, इसके बारे में सोचोगे, तो ये एक फ्रूटफुल एवेन्यू होगा एक्सप्लोर करने के लिए। द डिज़ाइन एंड परफॉर्म रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस, जितने भी रेलिवेंट एक्सपेरिमेंट्स है उसको डिज़ाइन करें या परफॉर्म करें। उसके बाद लास्ट स्टेप ये होगा कि लर्नर और टीचर दोनों इस बारे में चर्चा करें कि उन्होंने क्या सीखा। मेन चीज़ फिर से वही आ जाती है कि व्हाट दे हैव लर्न्ड एंड हाउ देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्ड देम टू बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और किस तरीके से, और हो सकता है कि हेल्प ना भी की हो तो वो वाली चीज़ भी डिस्कस करें। ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई चीज़ अगर सिखाई जा रही है तो वो हमेशा हेल्प ही करेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से बाद में डिस्कस करना है कि किस तरीके, कैसे उन्होंने सीखा, क्या उन्होंने सीखा, क्या जो ऑब्जर्वेशन थी या जो एक्सपेरिमेंट कराया गया वो उनके अंडरस्टैंडिंग में, कंसेप्ट को समझने में हेल्पफुल रहा या नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। सपोज़ कीजिए कि टीचर ने क्या किया कि एक टॉपिक के बारे में बात की, उसके बारे में एक उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बच्चों को करके दिखाया। अब टॉपिक डिस्कस हो गया, एक्सपेरिमेंट टीचर कर रही है, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट डाउन कर रहे हैं, और अब बाद में फिजिक्स में तो आपको पता है एनीमोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो बच्चों को पूछा गया और बच्चों से पूछा गया तो बच्चों को वो जो कंसेप्ट था वो समझ आया या नहीं, जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कंस्ट्रक्टिविस्ट
अप्रोच के अंदर और एक टीचर का क्या रोल है उसके अंदर। मूव ऑन करते हैं आगे। आगे आप लोग देख सकते हो कि लर्नर बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बच्चों का स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कब होगा? जब टीचर उनको हेल्प करेगी कि वो अपनी प्रायर नॉलेज को, जो उनका पूर्व ज्ञान है, उसको उसका आकलन करे और उसको क्लैरिफाई करे, या फिर ऐसा समृद्ध वातावरण उनको देंगे, फैसिलिटेट एनवायरनमेंट देंगे जिसके ज़रिए बच्चों के जो है एक्टिव लर्निंग हो, बच्चे जो है थ्रू एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ डेट इंटरकनेक्ट आइडियाज़ एंड वेरी अप्रोचेज टू नॉलेज एंड इनवाइट लर्नर्स। किस चीज़ के लिए इनवाइट करें? कि बच्चे जो है खुद के ज्ञान को परखे, खुद के ज्ञान के बारे में विचार करें, जितने भी उनके पास एक्सपीरियंसेस है, जितने भी इंटरकनेक्टेड आइडियाज़ है या जो भी अप्रोचेज फॉलो हुई हैं नॉलेज को गेन करने में, और को बिल्ड कोर्स रोड मैप्स बनाए, परस्यू अदर फॉर्म्स ऑफ मेटाकॉग्निशन, और बाकी के जो मेटाकॉग्निशन है मतलब जो माइंड मैपिंग हो गई, इन सब बारे में सोचे, खुद के ही जो भी ज्ञान बनाया गया उसके बारे में विचारना, डेट इज मेटाकॉग्निशन। आगे आ जाते हैं, कहते हैं कि दस अ टीचर हैज़ टू प्रोवाइड सच अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स इन सॉल्विंग द इनकंसिस्टेंसेस बिटवीन लर्नर्स करंट अंडरस्टैंडिंग एंड द न्यू एक्सपीरियंसेस बिफोर देम। टीचर का एक और बड़ा रोल ये हो जाता है कि जो बच्चों की पहले से ही कंसेप्ट बने हुए हैं, जो बच्चों की प्रायर नॉलेज है, जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, अभी हाल ही में जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, और बच्चों का जो न्यू एक्सपीरियंसेस मिले, उनके बीच में अगर कुछ गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ मतलब ये हुआ कि बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज है लगता है कि ये हमारी अलग थी, न्यू नॉलेज उसमें फिट नहीं हो पा रही है, उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसेस है, तो वो डाउट है, कोई शंका है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो उसको रिमूव करने में एक टीचर हेल्प करे, ताकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो, एक बच्चे बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझे। द चैलेंज हेयर इज दैट अ टीचर कैन नॉट अज्यूम दैट ऑल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड समथिंग इन द सेम वे। अब मेन चैलेंज टीचर के सामने यही आ जाता है कि हर एक बच्चा, टीचर को ये अज्यूम नहीं करना चाहिए, ये अवधारणा बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए कि हर बच्चा सेम तरीके से सीखता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम सब अलग है, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं है, सबका इंटरेस्ट अलग है, नीड अलग है, सोचने की प्रक्रिया अलग है, काम करने का ढंग अलग है, लाइक डिसलाइक अलग है, तो जो आपका सीखने की प्रक्रिया होगी वो तो अलग है ही, तो एक तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं। इस वजह से टीचर को केटर करना चाहिए, डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बच्चों के सामने लेकर के आना चाहिए, ताकि जितने भी डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की उसको सेटिस्फाई किया जा सके, बच्चों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अब यहाँ पर कुछ जो है आपके रोल ऑफ टीचर्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है। अभी तक आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई है, जो भी आप लोगों को मेन रखता है ना उनके पॉइंट्स बना सकते हो, और साथ में ये पॉइंट्स तो इंक्लूड करने हैं ही, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके ज़रिए रोल ऑफ टीचर्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसको कंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं वन बाय वन सभी पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कहा गया है कि टीचर एम्प्लॉय टेक्निक्स विच कैन एनकरेज ग्रुप इंटरेक्शन। टीचर को ऐसी तकनीकों का यूज़ करना चाहिए जिसके ज़रिए क्या हो, ग्रुप इंटरेक्शन हो, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो, वेयर द लर्नर्स गेट अ चांस टू बिकम एक्सप्लिसिट अबाउट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बाय कंपेयरिंग इट टू दैट ऑफ देयर पीयर्स। तो ग्रुप इंटरेक्शन में बेसिकली क्या होगा, जब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, समूह में सीखते हैं, तो उसमें इंटरेक्ट करने के बाद लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को चांस मिलता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो सके, क्योंकि दूसरों, मान लीजिए जो उसका दूसरा वाला क्लासमेट है उसको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, एक बच्चा है ग्रुप में जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जब ग्रुप में सीखेंगे तो जिसको जो प्रॉब्लम थी ना वो भी क्लियर हो जाएगी, उसको भी पता चलेगा, अपनी नॉलेज को वो जब दूसरों के साथ कंपेयर करेगा ना ग्रुप में, तो जो भी बच्चे कोई कुछ जो भी प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी, एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग जो होगी वो बहुत बेहतर होगी। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, कहा है कि द टीचर शुड इंटर रिलेट कंसेप्ट। टीचर को क्या करना चाहिए, हर एक कंसेप्ट को इंटर रिलेट करना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट है या एक्टिविटी है, अक्रॉस द करिकुलम। अक्रॉस द करिकुलम का मतलब यही है, जैसे हर एक, जैसे मैथ्स का करिकुलम होता है पर्टिकुलर, इंग्लिश का होता है या हिंदी का होता है, तो टीचर को
इंटर रिलेट करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हमारा जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे, या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो विद इन सब्जेक्ट तो टीचर को इंटर रिलेशन देखना ही है, बल्कि बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स का अगर कुछ इंटर रिलेशन देखने को मिल रहा है, या फिर हिंदी में कुछ ऐसा चैप्टर आ गया, इंग्लिश में कुछ ऐसा चैप्टर आ गया जिसमें साइंस की नॉलेज बच्चों को मिल रही है, तो वो चीज़ें भी टीचर जो है इंटर रिलेट कराए, वो चीज़ भी इंटर रिलेट कराए। अक्रॉस द करिकुलम यही होता है, सो डेट वॉट इज लर्न इन वन एक्टिविटी, जो एक एक्टिविटी में सीखा वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी एंड रीअफर्म इन अनदर। तो स्ट्रेंथन होगी और दोबारा से उसके बारे में चीज़ें बताई जाएगी, तो वो एक तरीके से बच्चों को रिवाइज होगी और बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो और ज़्यादा क्लियर होगी कि किस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बच्चे ये चीज़ सीखेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है, प्रमोट एक्टिव लर्निंग विद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज डेट एम्फसाइज प्रोसेस। तो एक्टिव लर्निंग, देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की हम बात कर रहे हैं क्लासरूम की अगर बात करें, तो देखिए एक्टिव लर्नर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ तो बिल्कुल ना आँख बंद करके लिख के आ जाना कि एक्टिव लर्नर और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ नेसेसरी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल टिप्स पे हो जानी चाहिए अभी तक। नेक्स्ट आ जाता है, प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ विद केस डिस्कशन। बहुत सारी एक्टिविटीज़ टीचर को प्रोवाइड करनी चाहिए विद केस डिस्कशन। टीचर चैलेंजेस स्टूडेंट्स टू रीच बियॉन्ड द सिंपल फैक्चुअल रिस्पॉन्स। टीचर सिर्फ और सिर्फ इतने सीमित क्वेश्चन ना पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, एक पर्टिकुलर आंसर बच्चों को दे दिया, बच्चों ने सिर्फ फैक्चुअल रिस्पॉन्स कर दिया, खत्म। ताजमहल किसने बनवा दिया, बच्चों ने एक फैक्चुअल रिस्पॉन्स कर दिया, रटाया रटाया एक शब्द वाले। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, बल्कि इस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग इनको भी डेवलप करे। मतलब फैक्चुअल रिस्पॉन्सेस के बियॉन्ड बच्चे जाकर के सीखे, अपनी जो समझ है उसका भी यूज़ करे। ऐसे क्वेश्चन टीचर को फ्रेम करने चाहिए जो बच्चों को रटे रटाए आंसर्स देने से बचाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा होने चाहिए, चैलेंजिंग क्वेश्चंस होने चाहिए थोड़े से। ये नहीं है कि बिल्कुल सिंपल बच्चों से पूछ लिया जाए, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए। लर्नर्स आर एनकरेज्ड टू कनेक्ट एंड समराइज कंसेप्ट बाय एनालाइजिंग, प्रेडिक्टिंग, जस्टिफाइंग एंड डिफेंडिंग देयर आइडियाज़। बिल्कुल सही बात कही है कि एक लर्नर जो है ना उसको एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपने कंसेप्ट्स को कनेक्ट करे एक दूसरे के साथ और समराइज करे। समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, ये सारे जब चीज़ें फॉलो होगी, एनालाइज करना, प्रेडिक्ट करना, जस्टिफाई करना और अपने आइडियाज़ को डिफेंड करना, तो एक बहुत ही अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप होगी। और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की ये, या फिर रोल ऑफ टीचर की ये एक विशेषता हो जाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता है, स्टूडेंट ऑटोनमी एंड इनिशिएटिव आर एक्सेप्टेड एंड एनकरेज्ड। बच्चों की देखिए स्वायत्तता बिल्कुल देनी चाहिए। मैंने शुरू से ही कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि टीचर बोलती जा रही है और बच्चे सुनते जा रहे हैं, बल्कि क्या होना चाहिए, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, बच्चे डिस्कशन को लीड करें, कभी टीचर पर पॉइंट आए, कभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कुछ, तो इस तरीके की जो टॉक है वो अपोज भी होती रहे। सारी चीज़ें हैं कि बच्चे अपने पॉइंट्स को रखें, तो स्टूडेंट की, बच्चों की स्वायत्तता या इंडिपेंडेंसी का बिल्कुल ध्यान रखना है। एक डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट बिल्कुल होना चाहिए। इस तरीके के इनिशिएटिव को स्वीकार करना है और इसको बढ़ावा देना है। बाय रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स आइडियाज़ एंड एनकरेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स अटेन देयर ओन इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी। तो ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए, अगर स्टूडेंट्स अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं, तो टीचर को, या ठीक नहीं भी बता रहे हैं तब भी, इवन इन डेट सिचुएशन टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के रिस्पॉन्स को, आइडियाज़ को एनकरेज करना चाहिए। उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर गलत किया, ये तो है कि बच्चे ने रिप्लाई तो किया, रिस्पॉन्स तो किया, बच्चे ऐसे तो नहीं है कि झिझक के अपने मन में इतने सारे डाउट पाले बैठे हैं। देखिए हमेशा ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, आगे जाकर के आप भी फ्यूचर टीचर्स बनोगे, अगर बच्चा गलत आंसर भी देता है तब भी आप लोग उसको नहीं डांटोगे, तब भी आप लोग उसके ऊपर टिप्पणियाँ नहीं करोगे कुछ भी गलत, क्योंकि अगर इस तरीके की प्रोसेस कई बार होती जाती है तो बच्चे के जो आगे चल करके जितनी भी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं ना, वो बच्चा अपने मन में रखना शुरू कर देता है और यहीं से लर्निंग गैप आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल कोई भी मत करना, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सब लोगों से जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि स्टूडेंट के आइडियाज़ को
एनकरेज करना चाहिए उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, और रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। जब टीचर एक ऐसा करती है तो बच्चों को टीचर हेल्प स्टूडेंट्स अटेन देयर ओन इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी, बच्चों की खुद की एक इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी बनती चली जाती है। स्टूडेंट हु फ्रेम क्वेश्चन एंड इशू एंड देन गो अबाउट एनालाइजिंग एंड आंसरिंग देम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एंड बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं और इशूज़ के बारे में एनालाइज करते हैं, आंसर करते हैं, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं फॉर देयर ओन लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। बिल्कुल एक्सपर्ट लर्नर्स यहाँ पर बन जाते हैं, यू कैन से इट। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट कि रिकग्नाइजेस डेट लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कंटेक्स्ट। ये चीज़ बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए कि जो हमारी जो लर्निंग है ना वो सोशल कंटेक्स्ट में होती है, विद इन फोर वॉल्स नहीं होती। सोसाइटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब मैंने पहले भी मैं आप लोगों को ये चीज़ कहती हूँ कि आप लोग बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाते हो वो चीज़ रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ानी चाहिए, तो सोशल कंटेक्स्ट का तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप ही आ जाती है। एंड यूटिलाइज द कंटेक्स्ट टू सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग, और इसी सामाजिक संदर्भ को यूटिलाइज करना चाहिए, उसकी मदद लेनी चाहिए। मतलब कि बच्चों को अगर जोड़ सिखाया गया है ना तो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कराओ कि बच्चों को बच्चों के सामने मतलब कुछ शॉपकीपर वाला रोल प्ले करवाओ कि बच्चों को मोल भाव करना आ जाए। इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, सोशल कंटेक्स्ट की बात होनी चाहिए, तो उसको यूटिलाइज करो जिससे कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है कि डेवलप्स कंसेप्ट फ्रॉम रियल वर्ल्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम सिचुएशन। अब सारी के सारे प्रॉब्लम ऐसे हो जाए, सारे के सारे प्रॉब्लम ऐसे हो जाए जिससे बच्चा अपने आप से लिंक ही ना कर पाए, अपने रियल लाइफ से लिंक ना कर पाए, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में गैप आना वहीं से शुरू होता है। तो ज़्यादातर जितनी भी वर्ल्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स है या कंसेप्ट हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं ना, वो उनके रियल लाइफ में वो चीज़ देखते हो उसको जोड़ करके समझाना चाहिए, उससे इंटीग्रेट करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इससे ही डेवलप होगी इनटू सब्जेक्ट मैटर्स यूनिट रादर देन टीचिंग दीज स्किल्स इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होगी, बल्कि इनको इंटीग्रेट करना चाहिए रियल वर्ल्ड के साथ, रियल लाइफ के साथ सब चीज़ों को जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आशा करती हूँ कि समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट बेटा, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग विच इज़ अ मोर सिस्टमिक अप्रोच टू सपोर्टिंग द लर्नर, फोकसिंग ऑन द टास्क द एनवायरमेंट द टीचर एंड द लर्नर। देखिए स्कैफोल्डिंग के बारे में सबको पता होगा ना, वाई गोस्की वाली स्कैफोल्डिंग, तो ये वाली चीज़ भी यूज़ करनी है। कहाँ पर किसमें रोल ऑफ टीचर हो जाता है ये कंस्ट्रक्टिव इस क्लासरूम का, बिल्कुल सारे बच्चे याद रखना। स्कैफोल्डिंग के बारे में सब बच्चों को पता होगा कि जब भी कोई हायर नॉलेज का, ठीक है, जब भी कोई हायर नॉलेज का, जरूरी है वो टीचर ही हो, एल्डर भी हो सकता है, वो हेल्प करे, असिस्ट करे। पूरा सॉल्व नहीं करना, पूरा आंसर सॉल्व नहीं करना है, असिस्ट करना है, सोल्व करना, वो हेल्प करनी है, सॉरी सपोर्ट करना है, सिर्फ सहायता प्रदान करनी है, डेट इज़ ताकि बच्चा जो है वो समझ सके और खुद सॉल्यूशन तक आ सके, डेट इज़ स्कैफोल्डिंग, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या करता है, प्रोवाइड्स टेम्पररी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट लर्निंग। यही बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, साइकोलॉजी में ये चीज़ आप लोगों ने अनगिनत बार पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी तो सीटेट वगैरह में, है ना, तो सपोर्ट लर्निंग एंड लर्नर परफॉर्मेंस बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज। तो ये चीज़ आ जाती है, इफेक्टिव स्कैफोल्डिंग रिक्वायर्स द टीचर टू। अब इफेक्टिव स्कैफोल्डिंग कब होगी, जब ये चीज़ें फॉलो होगी, इंक्वायरिंग टू द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लोरिंग मिसकंसेप्शंस एंड अनट्रू आइडियाज। जब टीचर क्या करेगी, इंक्वायर करेगी, जांचेगी, परखेगी कि बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, और बच्चों की जानेगी कि एक्सप्लोर करेगी कि कहाँ पर बच्चों को मिसकंसेप्शन हुआ है, कहाँ बच्चों ने गलत कंसेप्ट बना लिया है, अनट्रू आइडियाज़ कौन से हैं उनको ठीक करेगी, तब जो होगी इफेक्टिव स्कैफोल्डिंग होगी, बहुत ही प्रभावी स्कैफोल्डिंग होगी। स्कैफोल्डिंग को ना मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग अपना देख लेना प्लीज़, लेकिन अच्छे से समझा दूंगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। एनकरेज डायलॉग बिटवीन लर्नर्स एंड टीचर्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग, डायलॉग का मतलब क्या है, डायलॉग का मतलब है आपसी बातचीत। यहाँ पर ये मत सोचना कि फिल्मी डायलॉग मारने हैं, कुछ ऐसा नहीं है। बच्चों के और टीचर के बीच में ना बातचीत होनी चाहिए,
तो जब ये होगी तो बच्चे और टीचर एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी होगी। नेक्स्ट आ जाती है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न थ्रू क्वेश्चंस एंड थ्रू पीयर एक्सचेंज। तो अब ये बात आ जाती है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, ऐसे अवसर दो जिसके जरिए बच्चे जो है क्वेश्चंस के जरिए सीख सके, क्योंकि शुरू में मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर कर चुकी हूँ। अगर प्रीवियस वीडियो देख लेना, पार्ट 2, इसका हाफ वाला पार्ट 2 में है और हाफ पार्ट 3 में। तो पीयर एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब ग्रुप इंटरेक्शन होनी चाहिए। सीक एलाब्रेशन ऑफ लर्नर्स रिस्पॉन्सेस एंड जस्टिफिकेशन फॉर ओपिनियंस। तो ये चीज़ भी है कि लर्नर रिस्पॉन्सेस के बारे में एलाब्रेशन देखे और ज़्यादा एलाब्रेट करे टीचर जो स्टूडेंट ने बताया। उसके बाद टीचर का भी एक दायित्व होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एलोबरेट करके बच्चों को बताए, उसको और अच्छे से समझाए और उसको एक समराइज करे। जस्टिफिकेशन फॉर ओपिनियंस ज़रूर दिया जाए, जस्टिफाई किया जाए। तो ये नहीं है कि सारी चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ दो। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की अगर बात कर रहे हो तो टीचर का भी रोल है। तो ये नहीं है कि टीचर को हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाना है। जब बात आ जाती है कि हर एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ फ्रेम करनी है, तो अगर वो सच्चे मन से कर रही है या कर रहा है कोई भी टीचर हुआ, तो उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो ये हो जाता है सारी बातें कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बहुत सारी अच्छी बातें भी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।